वसीम रुसैला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी 8 महीने हो गए, काम चालू हो के 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक ब्याज सूद इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट्स है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। पटेंगे तो कटेंगे पर क्या बोले स्वामी सुधीर गोस्वामी, सुनकर आप चौंक जाएंगे। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान भारत इस देश का अब दुर्भाग्य देखिए कि मुख्यमंत्री एक गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, भड़काऊ भाषा का हमेशा इस्तेमाल करता है, तो उसी के नक्श कदम पर देश का प्रधानमंत्री भी चल पड़ता है। एक कहता है बटेंगे तो कटेंगे, दूसरा कहता है एक है तो सेफ है। काफी चर्चा चल रही है 4-5 दिनों से इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में पोलराइजेशन वाली नीति की, कि किस तरह से 80-20 की लड़ाई है तो अब बटेंगे तो कटेंगे। ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका बयान। अब इस बयान पर एक स्वामी है सुधीर गोस्वामी जी, उन्होंने 3 से 4 दिन पहले ये कार्यक्रम हुआ है दिल्ली में हुआ है, और दिल्ली में ये कार्यक्रम जो है इंटरफेथ पर काम करने वाले संगठन से जुड़े स्वामी सुधीर गोस्वामी ने दिया है। क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे का उन्होंने पोस्टमार्टम किया है और संविधान कैसे खतरे में है, सुनिए। देखिए, ये सत्य है, सदियों से भारत की जो छवि है पूरे विश्व में, एक इतिहास है भारत का, वो अनेकता में एकता का है, और उसको मूल रूप से कोई भी नष्ट करने का प्रयास करेगा उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। ये सत्य है कि बटेंगे, बटे हम रहे तो गुलाम भी रहे, मगर 1857 के बाद फिर कोशिश हमको क्यों करनी पड़ी। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पूरा भारत इकट्ठा हुआ था, आज उसकी फिर ज़रूरत है। जो हुकूमत करता है उसका मजहब नहीं देखा जाता, हुकूमत करने वाला हुकूमत करता है उसके साथ सब कुछ चलना होता है, ये बहादुर शाह जफर जी ने बताया था। मगर कैसे चलना है अगर राष्ट्रभक्ति देशभक्ति नहीं होगी, और ये सत्य है कि बटने से तो हम कमज़ोर होंगे मगर भाव दोनों ही हैं। तो बीजेपी मजहब देख रही है क्या? मजहब जो भी देखेगा, बीजेपी हो तो वो भी खता खाएगी। पर यहाँ पर किससे कटने की बात कही जा रही है, हम तो हाँ वही तो बात हो रही है कि कौन काटेगा, इस देश में कोई काटने वाला है ही नहीं, सदियों से इतिहास को कौन तबाह करेगा। अरे राजनीति में तो लोग आते चले जाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है, मगर ये देश एक था एक ही रहेगा, मजहब के नाम पे देश तकसीम नहीं होगा, हो गया एक बार मगर अब होने वाला नहीं है। पर स्वामी जी, अगर इस तरीके का बयान कोई मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो इसको किस संदर्भ में देखने की जरूरत है जनता? नहीं तो गलत है, सरासर गलत है। अगर आप एक मजहब के नाम पर इस मुल्क को चलाना चाहेंगे तो ये मुल्क भारत नहीं चलने वाला है, ये हिंदुस्तान है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाते हुए हम बड़े हुए हैं। लिखने वाला कौन था, उसकी जाति कौन थी? संविधान में भारत है सर। भारत और हिंदुस्तान में कोई मैं अंतर नहीं समझता। नहीं, जब आप हिंदुस्तान कहते हैं तो इसको इस संदर्भ में देखा जाता है कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, ये तो बहुत पुराना है, ये सब ने मिल के लड़े हैं, हिंदुस्तान कहें या भारत कहें, अगर उसको अलग अलग कोई सोचता है तो गलत सोचता है। ये सभी का देश है, जिसके बाबा दादा यहाँ पैदा हुए हैं, इस ज़मीन में जिनका इतिहास है वो उनका देश है, मादरे वतन भी है और भारत माता भी है। तो आप भी मानते संविधान खतरे में है? संविधान की तो बात मैंने कही है कि संविधान को मानना पड़ेगा। नहीं, अभी क्या संविधान की स्थिति क्या है? संविधान तो कमज़ोर होता है ना, संविधान कमज़ोर होता है जब हम बढ़ते हैं, हम अलग हो जाते हैं। आज क्यों ये मीटिंग करने की जरूरत है? आदित्यनाथ भी तो यही कह रहे हैं, एक रहो नेक रहोगे। वो किसी संदर्भ में बोल रहे हैं, उनके कहने का अंदाज मेरे अंदाज में फर्क है, मनसा ठीक नहीं है उनके, अलग मकसद है उनका, राजनीतिक मकसद है, हमारा राजनीतिक मकसद नहीं है। हम धार्मिक आदमी है और धर्म तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता। धार्मिक आदमी तो योगी आदित्यनाथ भी है। नहीं है, मठाधीश है, मगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो स्वयं कहेंगे। मगर मेरी बात जो है, मैं भी सनातनी हूँ,
सनातन धर्म का पालन करना ही सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्व। कोई सन्यासी इसके बिना हिंदू रह ही नहीं सकता। हमारी सभ्यता है कि सब एक कुटुंब है, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार ही मेरा एक कुंभा है। आप भी सनातनी है, धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने आप को सनातनी बताते, इतना अंतर कैसे है दोनों? बेटा ये दिक्कत ये है कि मैं इंटरफेथ पे काम करता हूँ और मेरी आयु निकल गई। मैं हिंदू धर्म में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, दुनिया में एक ही पैगाम लेके जाता हूँ जो मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब बराबर हैं, कोई ना नीचा है ना छोटा है ना बड़ा है, हम तो ये मान के चलते हैं और यही सनातन संस्कृति है, दूसरी संस्कृति नहीं हो सकती। इसमें सब मिलकर इस देश को, इस राष्ट्र को चलाते आए हैं और चला रहे हैं और चलाएंगे। सनातन में जाति ऊंच नीच किसने बना दी? देखिए ये बहुत लंबी कहानी है, अगर शास्त्रार्थ करेंगे तो बहुत लंबी कहानी है, आज तो यहाँ तक सीमित रखिए। संविधान अगर खतरे में है, कोई एक मजहब खतरे में है, हम सबको एक होकर खड़े हो जाना चाहिए, अपने धर्म को मजबूती से चलना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, मगर धर्म का मतलब वायलेंस नहीं है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं खुले मंचों से और वो भी अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, तो क्या वो सही है उनकी मांग? ये देखिए, हर सनातनी को एक साथ मत जोड़ दीजिए, अगर ऐसा होता तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता है। ये बहुत सारी बातें हैं, पर सनातन का ठेका तो उन्होंने ले रखा है ना सर, वही अपने आप को ठेकेदार? नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, सनातन तो चलता है, चलता रहेगा, ये टेम्परेरी चीजें कोई रहता है, कितने बड़े बड़े लोग आए, कितनी हुकूमतें आई, मिलीजुली सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार आई, बहुत कहीं चली गई, आपस में तो लड़ रहे हैं, तो फिर इंतजार किया जाए जाने। बिल्कुल इंतजार किया जाए, और होगा वही जो मैं कह रहा हूँ कि अनेकता में एकता ही हमारा विश्वास है। ये फुलवारी को जो तोड़ेगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, इस सदियों पुरानी तहजीब है वही रहेगी, ये मेरा कहना है। मोदी जी क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस जो फुलवारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अब नाम लेके किसी का कुछ नहीं कह पाऊंगा, सरकार है भाई, मैं तो बड़ा गरीब सा इंसान हूँ और मैं विवादित बातों में ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं रखता हूँ कि विवादित बात खराब होती है। हमें तो आज जो बैठे हैं इकट्ठा होने के लिए बैठे हैं, अगर संतों के साथ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 2006 से इस काम को करते हैं, दुनिया में जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हाथों में हाथ डालकर सब धर्मगुरु जो एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं भारत की और दुनिया की एयरपोर्ट पर, एक मैसेज जाता है, लोग टकटकी लगा के देखते हैं, सब हमारे से बात करते हैं और अंत में कहते हैं कि हम ऐसा ही भारत देखना चाहते हैं, तो ये गुप्त एजेंडा है यहाँ के लोगों का, वो खुल के नहीं बोलना चाहते, खुल के वही बोलते हैं जिनको सत्ता की बात करनी है, हमको सत्ता की बात नहीं करनी है, इसलिए हम सब मिलकर, क्योंकि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। शोभा यात्रा में क्यों दंगे होते हैं, पत्थरबाजी? अब देखो बेटा, बात ऐसी है कि हमको इन बातों को किसी पर्टिकुलर एक धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वापिस क्या होता है, फिर दूसरा उग्रवादी होता है, दूसरे में होती है, तो इस सब तरफ हो रहे, कट्टरवाद को ही खत्म करना है हमको। हमको जो मजहब सिखाता है वो इंसानियत की बात करता है, मजहब कोई भी तोड़ने की बात कहता ही नहीं, तो जो करता है वो अधर्म ही है, धर्म वाला तो हो ही नहीं सकता, जो धर्म के नाम से वायलेंस करता है वो धार्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका धर्म उसकी इजाजत देता ही नहीं, कोई सा भी धर्म ले ले। पर जिस तरीके का माहौल दिखाया जा रहा है, आप एक सनातनी है, क्या आपको ये महसूस होता है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा या मुसलमानों से? मैं ऐसा सब नहीं मानता, जैसे रहते आए हैं वैसे रहेंगे, प्यार और मोहब्बत भारत की तहजीब है और भारत का भविष्य भी यही है, और भारत का अतीत भी यही था, वर्तमान भी यही है, और भारत एक था एक रहेगा, ये गारंटी मेरी मान लीजिए, ना कुछ नहीं होने वाला, सब भाई भाई हैं, हम मिल के चलते। देश धर्म से चलेगा, संविधान से? हाँ, देश धर्म से चलेगा, संविधान से? देखिए, देश तो संविधान से चलता है, मेरा धर्म मेरा निजी है, दूसरे का धर्म उसका निजी है, मगर जिस देश में रहते हैं वो देश सबका एक है, तो उस देश का
संविधान होता है, हर देश का संविधान है, हमारा भी संविधान है, वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, हम उसको मानते हैं। और संविधान को जो नहीं मानता है वो भारतीय हो ही नहीं सकता, इंडियन हो नहीं सकता, वो दुष्कर्मी। आप भी सनातनी, आपने पता नहीं कौन सी किताब पढ़ी और जोन से ये नफरत फैला रहे हैं, ये भी सनातनी बताते, इन्होंने कौन सी किताब पढ़ ली? देखो बेटा, आप विवादित बातें पूछ रहे मेरे जैसे संत से जो नहीं कहना चाहता ये सब। मैं विवाद में जाना नहीं चाहता, मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मगर सनातन क्या कहता है, मैंने आपको बता दिया कि वसुदेव कुटुम्बकम, ये संसार मेरा एक कुनबा है, तो फिर बात आगे बढ़ती नहीं, वो सनातनी नहीं हो सकता। ए बी सी डी का आप नाम लें या सत्ता के नाम लें, वो नहीं हो सकता। सभ्यता नहीं बदल सकती, सभ्यता और मजहब जो हमें सिखाता है वो इंसानियत का सिखाता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं गोस्वामी सुशील महाराज मेरा नाम है, मैं भारत की सर्वधर्म संसद जो है सभी धर्मों को मिलाकर 2006 से इसलिए इस्लामिक सेंटर से ही शुरू हुई थी और उसका अपना सिपाही बनके पूरी दुनिया में इंटरफेथ पे काम किया।